क्या था आपका, एशिया कप? कि अगर एशिया कप में इंडिया नहीं भी आती तो आर यू कॉन्फिडेंट कि हम पाकिस्तान में होस्ट कर सकते हैं विद श्रीलंका एंड बांग्लादेश या नहीं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम तो अवेलेबल है, ये हमारा राइट है। या तो हमारा, हम कोई ऐसी चीज पूछ रहे हो जो कि हमें मिली नहीं है और जोर लगा रहे हैं, एक चीज मिली है। मेरा क्वेश्चन था कि कंसर्न है कि शायद श्रीलंका और बांग्लादेश भी फिर ना आए या इंडिया का वो तो नहीं आते तो नहीं आएंगे, अगर ये कहीं और बाहर जाता है मे बी विल पुल आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये क्लियर स्टांस ले लिया है कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं भिजवाता तो पाकिस्तान इंडियन टीम के बगैर एशिया कप करवाएगा, अपनी मेजबानी को जाने नहीं देगा। क्या पॉसिबल है एशिया कप हो जाएगा और भारत नहीं होगा उस पर, एशिया कप नाम की कोई चीज हो रही होगी, यानी पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान बांग्लादेश, अच्छा चले मैं कहीं दूर तो जाते नहीं, अफगानिस्तान भारत की प्रेजेंस के बगैर एशिया कप में पार्टिसिपेट करेगा राय, या इस बार कोई न्यूट्रल वेन्यू वाला मामला निकल गया, जाहिर आगे फिर ऐसा ही होगा, आगे चैंपियन ट्रॉफी में भी इंडिया बोलेगा कि भाई हम टीम नहीं भेज रहे, जो कि वो उनको बोलना उनका हक है, तो वो गलत बोले सही बोले लेकिन उनका तो हक है, नजर है उनकी टीम है, हम चाहे हम अपनी टीम भी भेज सकते, तो वो बोले तो क्या फिर चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में नहीं होगी? ये फैंस को बेवकूफ बनाने के लिए बाइकॉट नहीं होना चाहिए कि अभी पिचेस खराब है, गालियां पड़ी हैं, आप आकर खाली इसलिए वन टाइम पे ब्रांड मुंह हिलाइए अपने यूट्यूब की तरफ ब्रांड दीजिए, नहीं ये फजूल काम मैं नहीं चाहता, आप बाइकॉट कीजिए, आप वर्ल्ड कप भी मत जाइए, आप एशिया कप में मत जाइए, बाइकॉट कर दीजिए। ठीक है, वो ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं इनमें से कोई, रवि भाई आप बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, आप ये बताइए आप रहेंगे नहीं रहेंगे एशिया कप तक? क्या है कि भाई ये टूर्नामेंट हमारा है और हम समझते हैं कि बीसीसीआई के सामने कोई पॉलिटिकल मसाइल होंगे, तो कह रहे हैं कि यार वो आते तो आए नहीं आते तो नहीं आए, लेकिन एशिया कप पाकिस्तान में होगा। तो अब मैं आपको पहले वो बात समझा दूं कि हमने आपको अभी 5-7 दिन पहले एक वीडियो में बताया कि ये बहुत ज्यादा कवी इम्कान है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बात के कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो और भारत अपने मैचेस यूएई के किसी एक वेन्यू पे खेल ले, मोस्ट लाइकली वो दुबई ही हो सकता है। ठीक है, वो ये क्यों नहीं पूछ रहा है इनमें से कोई, रवि भाई आप बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, आप ये बताइए आप रहेंगे नहीं रहेंगे एशिया कप तक? रवि भाई ये बताइए एशिया कप जब होगा तो आप होंगे? हाँ रवि भाई, बोलेंगे क्यों होगा भाई, मैं होगा क्यों होगा यार, कैसा सवाल है आपका, होगा भाई मैं? अच्छा आप ये बता दीजिए कि जो एसीसी को आपने खत लिखा, एसीसी ने आपको एल में क्यों मारा है? दूसरा सवाल, कभी इम्कान है और ऐसा ही होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान भी जाएगा इस बात पे कि इंडिया ये कहेगा कि ठीक है हम तो नहीं आ रहे भाई, तुम भी कह दो तुम्हारे आने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है हम एशिया कप कराएंगे, वो रवि भाई ने कह दिया एशिया कप कराएंगे, इंडिया आए ना है, अच्छा इंडिया कहाँ आएगा? इंडिया आएगा यूएई, इंडिया आएगा यूएई आएगा, इंडिया अपने जो मैचेस होंगे यूएई में खेलेगा। तो एक सीधी सी बात है, आप लाहौर पिंडी पिशावर जाते हैं तो एक डेढ़ घंटा लगता है, इतना ही देर दुबई में लगती है, तो भाई ऐसी कौन सी कवाल हो गई अगर इंडिया दुबई में खेल लेगा, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। मगर ये रवि भाई ने कहा इस अंदाज से कि लोग समझ रहे हैं इंडिया को उन्होंने कोई धमकी वमकी दे दी है कि भाई तुमने आ रहे हो नहीं आओ, भाई एसीसी रवि भाई की जायदाद तो है नहीं, एसीसी जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल है जिसमें श्रीलंका बांग्लादेश अफगानिस्तान इंडिया ठीक है पाकिस्तान ये 4-5 लोग शामिल है इसमें, तो भाई ये इनकी जायदाद हो गई ना यार, ये जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे एशिया कप को कराने के, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट, पाकिस्तान के पास वोट नहीं है अभी तक, आप ये नहीं कह सकते श्रीलंका राजी है रवि भाई की बात पे, आप ये नहीं कह सकते बांग्लादेश राजी है रवि भाई की बात पे, आप ये नहीं कह सकते अफगानिस्तान राजी है रवि भाई, पाकिस्तान तो अफगानिस्तान को भी नहीं खिलाता पाकिस्तान में, क्या पॉसिबल है एशिया कप हो जाएगा और भारत नहीं होगा उस पर, एशिया कप नाम की कोई चीज हो रही होगी, यानी पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान बांग्लादेश, अच्छा चले मैं कहीं दूर तो जाते नहीं, अफगानिस्तान भारत की प्रेजेंस के बगैर एशिया कप में पार्टिसिपेट करेगा? तो वो मतलब सेक्रेटरी बीसीसीआई जो है वो एसीसी को हेड कर रहे हैं और एसीसी का इवेंट एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में होगा क्योंकि भारत की मजबूरी है, भारत के बगैर ये टूर्नामेंट कैसे होगा भाई? रास्ता वही निकलेगा, या तो पूरा टूर्नामेंट यूएई जाएगा और अगर पीसीबी चाहता है यहाँ हो तो भारत अपने मैचेस यूएई में खेलेगा और फिर फाइनल का वेन्यू भी आपको यूएई रखना पड़ेगा। उमेश हसन राजा साहब ने एक और चूस छोड़ दिया है कि भाई जो वो इंडिया नहीं आएगा तो हम जो वो पाकिस्तान में ही करवाएंगे एशिया कप इंडिया के बगैर, नहीं तो जो हम जो अगर कहीं बाहर होना हुआ तो हम जो बॉयकॉट कर देंगे, हम ही नहीं खेलेंगे एशिया कप में। तो यार ये समझ नहीं आता ये क्या ड्रामे लगे हुए हमारे क्रिकेट में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार। जाहिर है हमें भी मालूम है आपको भी मालूम है कि बीसीसीआई ने ये शाले ये बोला था कि भाई इंडिया की टीम तो नहीं जाएगी और न्यूट्रल वेन्यू पर जो एशिया कप होना चाहिए, तो न्यूट्रल ने ये सवाल पूछा कि इंडिया अगर नहीं आता तो खुदा ना वास्ता अगर बांग्लादेश और श्रीलंका भी कहते हैं कि भाई इंडिया नहीं जाता तो हम भी जो पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं फिर आप क्या करेंगे? तुमने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता है, इंडिया और तो बांग्लादेश और श्रीलंका आएंगी, लेकिन ऐसा हो जाता है अगर बांग्लादेश और श्रीलंका नहीं आती और होस्टिंग जो है वो किसी और जगह पे जो है ये अपने न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप करवाने के बारे में आईसीसी कहता है या एसीसी कहता है तो हम जो है वो बीच में से खुद को निकाल लेंगे, यानी कि हम जो है वो बॉयकॉट कर देंगे। यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तो नुकसान तो हकीकत जो बात है कि नुकसान है पाकिस्तान का नुकसान है, या जाहिर आपको होस्टिंग मिली हुई है तो आप जो है वो इवेंट जो होस्ट ना करें, जाहिर ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी होना है, आप देखें इस बार ना हुआ आगे चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होनी है, उसकी होस्टिंग भी पाकिस्तान को मिली हुई है तो तब तो होगी। तो अगर इस बार इंडिया की टीम ना आई या इस बार कोई न्यूट्रल वेन्यू वाला मामला निकल गया, जाहिर आगे फिर ऐसा ही होगा, आगे चैंपियन ट्रॉफी में भी इंडिया बोलेगा कि भाई हम टीम नहीं भेज रहे,
जो कि वो उनको बोलना उनका हक है, तो वो गलत बोले सही बोले, लेकिन उनका तो हक क्या नजर है, उनकी टीम है, हम चाहे हम अपनी टीम भी भेज सकते, तो वो बोले तो क्या फिर चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में नहीं होगी, तो तब देख लेना। अब क्या जरूरत है ऐसी जो बड़ी बड़ी बातें करने की, बायकॉट आपने करना नहीं है, ये मुझे मालूम है कि रमीज राजा ने बायकॉट नहीं करना है, ये अफगानिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में कह रहे थे हम बायकॉट करेंगे, बायकॉट करेंगे अफगानिस्तान के साथ वो लड़ाई जो हुई थी उसके बाद, हम जब वार्म अप मैच नहीं खेलेंगे, खेल लिया वार्म अप मैच भी, क्या हुआ आपकी बात पे आप जब कायम नहीं रहते तो फिर आपकी बात पर यकीन नहीं करता, आपने बोला ड्रॉप इन पिचेस लाएंगे हम, जो साहिल जो ऑस्ट्रेलिया से लाएंगे, लाया आपने, आज वो फटा पिच पे खिला रहे हैं, पूरी दुनिया थू थू कर रही है, एक बात पे तो आप पूरे नहीं उतरे हैं, तो इस बात पे भी आप फिर जाएंगे, वही बात होती है कि जैसे आप इससे पहले फिरते हुए आए तब आप बोलेंगे जी आईसीसी का प्रेशर है, जी हमने खेलना है, इसका प्रेशर है, उसका प्रेशर है, कि अगर श्रीलंका और बांग्लादेश भी नहीं आते या एशिया कप को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान एशिया कप खेलने से इनकार कर देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये क्लियर स्टांस ले लिया है कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं भिजवाता तो पाकिस्तान इंडियन टीम के बगैर एशिया कप करवाएगा, अपनी मेजबानी को जाने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि अगर इंडियन बोर्ड के इन्फ्लुएंस में आके बांग्लादेश और श्रीलंका ये दोनों टीमें भी पाकिस्तान आकर एशिया कप नहीं खेलती हैं तो फिर पाकिस्तान के पास एक ही चांस है कि वो ऑप्शन बचेगा पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान एशिया कप ही छोड़ दे। सो अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। अभी तक हुआ ये सवाल किया गया कि अगर इंडिया नहीं आता, रमीज ने कहा कि बिल्कुल मैं समझता हूं, मुझे अंडरस्टैंड है कि इंडिया के पॉलिटिकल मसाइल हैं, उन बेचारों की मजबूरी, उन्होंने ये कहा कि उनकी मजबूरी है कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो कहते हैं कोई मसला नहीं इंडिया ना आए, उनके मसले मसाइल हम समझते हैं, लेकिन हम फिर भी हम जो एशिया कप वो पाकिस्तान में रखेंगे। फिर कहा गया कि अगर श्रीलंका बांग्लादेश आए तो उन्होंने कहा कि हम एशिया कप से ही बायकॉट कर देंगे। अब मैं बताऊं एशिया कप का बायकॉट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, एशिया कप पाकिस्तान के हाथ में, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि आईसीसी का इवेंट बायकॉट करना अजीब गरीब बात है, वो डिफरेंट चीज है, इधर एशिया कप के बायकॉट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा पाकिस्तान और इंडिया, दूसरा पाकिस्तान और इंडिया, ये दो एशिया कप के आप कहने के आंखें हैं, दो आंखें हैं, दोनों आंखें हैं, एक आंख पाकिस्तान है और एक आंख इंडिया एशिया कप की, अगर एक आंख भी पाकिस्तान ना जाए एशिया कप बकवास फ्लॉप है। मां बाप जैसी मिसाल है, जैसे वो कोई मिसाल दी जाती है ना गाड़ी के दो टायर हैं, ये ऐसे ही एशिया कप में बांग्लादेश का मैंने नहीं आना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अफगानिस्तान का मैं नहीं खेलता, हांगकांग श्रीलंका कोई भी कहते नहीं खेलना, किसी को घंटे का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान कहते कि मैंने एशिया कप नहीं खेलना, एशिया कप हो गई। इंडिया कहते कि मैंने एशिया कप नहीं खेलना, इंडिया कहते मैंने एशिया कप नहीं खेलना, हो गई। बाकी सारी टीम कहते हैं एशिया कप नहीं खेला, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया कहते मैंने खेलना है। तो भाई इतनी सी बात है, अगर अब रवीत राजा ये डिसीजन लेते हैं तो मुझे लगता है कुछ भी बुराई भी है, आप ले सकते हो डिसीजन। ये फैंस को बेवकूफ बनाने के लिए बायकॉट नहीं होना चाहिए कि अभी पिचेस खराब है, गालियां पड़ी हैं, आप आकर खाली इसलिए रन टाइम पे बयान मुंह हिलाइए अपने यूट्यूब की तरफ बयान दीजिए, नहीं ये फजूल काम मैं नहीं चाहता, आप बायकॉट कीजिए, आप वर्ल्ड कप भी मत जाइए, आप एशिया कप में मत जाइए, बायकॉट।